आपको तला हुआ बेसन का या रखा हुआ खाना या फिर पैकेट वाले फूड खाना खाने के कारण आपके पेट में समस्या होने लगती है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए आज हम पेंटोप एमपीएस सिरप के बारे में बात करेंगे। पेंटोप एमपीएस सिरप क्या है, इसके कंटेंट, यूजेज, डोज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक के और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। पेंटोप एमपीएस एक ऐसा एंटासिड सिरप है जो आपकी पेट की जलन एवं पेट की एसिडिटी को बहुत ही फास्ट काम करता है। इसके मॉलिक्यूल्स आपके पेट में जाकर आपको बहुत ही इंस्टर रिलीफ देते हैं। ये मेरे हाथ में पेंटोप एमपीएस सिरप है, ये पेंटोप एमपीएस का ब्रांड दिया गया। ये बताया गया इसमें क्या क्या मॉलिक्यूल्स हैं, ये बताया गया ये 200 ml में आती है और ये शुगर फ्री आती है। और मेरे पास में ये मिंट फ्लेवर में है, शुगर फ्री मिंट फ्लेवर में है मेरे पास में। चलिए इसकी कंपनी की बात करें तो ये अरिस्टो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। चलिए इसकी कंपनी की बात हो गई है तो चलिए इसकी एमआरपी और मैन्युफैक्चरिंग और एमआरपी की बात कर लेते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग है अक्टूबर 2017 जो मेरे पास में है और सितंबर 2019 इसकी एक्सपायरी है और इसकी एक सिरप की एमआरपी 66.65 रुपए। चलिए इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो उसमें होता है एक्टिवेटेड डिमेथिकोन 50 mg होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 250 mg होता है, ड्राइड एमोनियम होता है 250 mg एवं सोर्बिटोल सॉल्यूशन इसमें 1.25 mg होता है। तो इस तरह से इसमें सारे पेट की प्रॉब्लम से संबंधित कंटेंट है। आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम या गैस की प्रॉब्लम के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए इसकी पैकिंग की बात करें तो इसकी पैकिंग भी अच्छी है, ये प्लास्टिक पैकिंग में आती है, ऊपर से गिर जाती है, बच्चे गिरा देते हैं तो भी इसका फूटने का डर नहीं रहता है। तो आपको किसी भी तरह की पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है तो इस सिरप का आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसके यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं। इसके यूजेज के बारे में बात करें तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही हो तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। आपको पेट में जलन की प्रॉब्लम होती हो किसी तली हुई चीज की या फिर चिटपिट खाना खाने के कारण तो आप इसमें इसका यूज कर सकते हो। आप पेट में गैस बनती हो तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। आपको खट्टी डकारों की प्रॉब्लम होती हो या किसी भी तरह की डकारों की प्रॉब्लम होती हो तो आप उसमें इसका यूज कर सकते हो। आपका खाना हजम नहीं होता हो तब भी आप उसका यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से सिरप का यूज कर सकते हैं। चलिए इसके डोजेस के बारे में और बात कर लेते हैं। इसका डोजेस के बारे में बात करें तो आप इसका डोज दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम मतलब 3 टाइम खाना खाने से पहले खाली पेट 10 से 15 ml इसको ले सकते हैं, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में और बात कर लेते हैं। वैसे तो इसके इतने ज्यादा कोई साइड इफेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी आपको नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, जैसे नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, आपको सर में दर्द हो सकता है, चक्कर घबराहट की, ये नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। वैसे भी आप इसको बेझिझक सिरप का यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसको यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें। वैसे भी बिना डॉक्टर की एडवाइस से तो आपको किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।